अगर बात की जाए इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटीरियर ऑफ द हाउस स्पेसेस वाइज, तो जिस तरह मैंने कहा कि द लिविंग एरिया, द वर्क प्लेस, द फॉर्मल एरिया, गेस्ट एरिया, फिर ऑफिस का रिसेप्शन, ये वो जगहें हैं जहाँ यू एक्सपीरियंस द आर्किटेक्चर, द बेडरूम्स, द यू नो किचन टू सर्टेन एक्सटेंट एंड द सर्विस एरियाज, वो obviously are they have four walls. So मैंने concentrate ये किया कि जो मेरा lounge है, I had a concept कि जी ड्राइंग रूम इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट एनी मोर. सो आई वो जो आपका 18x20 का स्पेस वो मैंने डाल दिया लाउंज में और स्प्लिट लेवल करके आई हैड टू सॉर्ट ऑफ लेवल्स, जिसमें एक जो मैं समझता हूँ कि एल्डरली के लिए हो जाता है और बिल्कुल फैमिली के लिए यूज़ हो जाता है, बेडरूम्स कनेक्टेड हैं, और एक मैंने लोअर लेवल लॉन के साथ रखा जिस पे गेस्ट आए जो इनफॉर्मल गेस्ट होते हैं क्योंकि अब फॉर्मल लाइफ नहीं रही, तो वो दे कैन सिट इन दिस लॉन एडजेसेंट टू, इन दिस लाउंज एडजेसेंट टू द लॉन. सो दैट्स हाउ इट वर्क्ड आउट. द मेज़नाइन उस पे फ्लोट करता है विद अ ब्रिज, वो फिर मैंने अपने इसी तरह मल्टीपर्पज़ रखा विद माई वर्क प्लेस एंड even a you know TV and you can watch some BBC or stuff, architectural movie देख सकते हैं आप. Connected with the office from the other side. Office में जब आते हैं तो again the reception उसमें loft किया क्योंकि I had this opportunity of जो मैंने 14+ साइट थी और कुछ split level करके, so that is another area I think I concentrated on, जिससे actually सर क्योंकि it's a very small office, one meeting room, one reception and टू ड्राफ्टिंग स्टूडियोज इन वन डिज़ाइन स्टूडियो, तो वो मैंने एक ही वॉल्यूम में फिर रख दिया बिकॉज यू कैन एक्सपीरियंस द वर्टिकल मूवमेंट विद इन दैट स्मॉल लिटल स्पेस. देन केम द पॉइंट कि जी रूफ़ का क्या करना है. मैंने छत डलने से पहले मेरे स्ट्रक्चर इंजीनियर हैं आरिफ साहब, मेरे पुराने दोस्त हैं, तो मुझे ख्याल है यार ये जब मैं छत पर गया ना तो शटरिंग लग रही थी सीधी, स्टील वाला अपना सील काट रहा था तो एक ऐसा रेक्टेंगल निकल रहा था कि यार मैंने कहा यार ये क्योंकि इसकी सम हाउ बीम्स भी 2.5-3 फुट अटक रही थी, मैंने कहा इसको मैं 2 फीट और लटकवा दूं और नीचे भी वो एक सर्कुलेशन स्पेस में आ रहा था, आई कुड गेट अ स्विमिंग पूल. सो मैंने एक लिए छत पे एक स्विमिंग पूल कर लिया, फिर रूफ गार्डन कर लिया. सो अगेन और फिर कोविड में बहुत यूज़ हुआ, वहीं वॉक हुई और वहीं हम इस्तेमाल करते रहे. सो दीज आर द फ्यू स्पेसेस व्हिच आई थिंक आई कॉन्सेंट्रेटेड ऑन, आई लाइक टू यूज़ दैम.